वो बहुत प्यारा है, देखो वो हमेशा काम करता रहता है, बहुत फनी है, स्मार्ट भी और क्यूट भी। रुको, वो कौन है? ये इसकी बहन ही होनी चाहिए। वो बहुत सुंदर है, उसके बाल बहुत प्यारे हैं और लंबे। क्या हुआ? ये लड़की को देखो, मैं उसके साथ कम्पीट नहीं कर सकती, मेरे बाल बहुत छोटे हैं। हमें कुछ करना होगा। पर क्या? मेरे पास एक आइडिया है। यही रुको, मैं ये निकालूंगी। एक सेकंड रुको, अगर मैं इस तरह लेटूं तो टाटा, बढ़िया, तुम्हारे बाल मेरे मुंह में जा रहे हैं। अपने नए हेयर कलर के साथ फोटोग्राफ लो, कितना अच्छा लग रहा है। परफेक्ट, अब मैं पोस्ट करूंगी। मदद करके अच्छा लगा, देखते हैं ये काम करता है या नहीं। उसे ये पसंद आए, मुझे पता था ये काम करेगा, पर मेरे अभी भी बाल तो छोटे ही हैं। खैर, क्या हुआ? अरे नहीं, मेरे बाल, मेरे सुंदर बाल, मेरे बाल झड़ रहे हैं। अरे नहीं, मुझे लंबे बाल पसंद है, एकदम लंबे घने बाल। मुझे तो शैम्पू के एड्स भी होना चाहिए था। रुको, कुछ ठीक नहीं है, मैं गंजी हो गई। मैं अपने बाल अब कभी ब्रश नहीं करूंगी। उसे क्या हुआ है? मेरे बाल तो काफी मुलायम है। क्या ये तो बस बाल ही है, कोई बड़ी बात नहीं, शावर में ज्यादा समय नहीं लगेगा। आखिरकार मैं आजाद हो गया, हेयर मॉन्स्टर जाग चुका है। प्लीज मुझे मारना मत। हे, आराम से बोलो, क्या वो हेयर मॉन्स्टर है? कोई बात नहीं, मेरे पास ये है। माफ करना, मुझे किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना। प्लीज ये मत करो। ये लो। फिर तुम ठीक तो हो? हाँ शुक्रिया। ये मॉन्स्टर तो, मैं जा रही हूँ, बाय। वाह, कितनी सुंदर सुबह है। चलो अब अपने सुंदर बालों पर ब्रश करें। चलो इधर आओ मिस्टर ब्रश, और अपना काम करो। अभी से अच्छा लग रहा है, बहुत सॉफ्ट है। हाँ, ओ नहीं, निकलो यहाँ से स्पाइडर। ओह, अब तो तुम गए, ये बहुत तेज है। क्या मैंने पकड़ लिया? नहीं, ये तो बाल है। जब भी मैं ब्रश करती हूँ तब ये होता है, लंबे बालों की परेशानियाँ। मैं बहुत समय से बाहर नहीं गई, पर मुझे पता है अभी भी अच्छा कैसे दिखना है। पर ये बाल तो नहीं चलेंगे। चलो थोड़े स्ट्रेट कर लेते हैं। नीचे से शुरुआत करते हुए, और अभी से ये बेहतर लग रहा है। ज्यादा लंबे नहीं होने चाहिए। जिसने भी ये चीजें बनाई है, काश मैं उसे शुक्रिया कह पाती। जिसने भी ये चीजें बनाई है, और कौन सा टूल मेरे बालों को बस 5 मिनट में इतना अच्छा बना देगा? और परफेक्ट बाल किसके हैं? खैर, लगभग परफेक्ट। आखिरकार हम जिम आ गए, चलो इंस्टाग्राम पर डालें। हे लेडीज, ओह, क्या ये हमारा कोच है? वो तो बहुत ही प्यारा है, जरा उसके बालों को देखो। हम तैयार हैं। हाथ हिप्स पर, हाँ करते रहो, बहुत बढ़िया। अब असली वार्म अप का समय है, अपने आप को हिलाओ लड़कियों। ऐसे क्या हुआ है? वो तो कुछ ज्यादा ही कर रही है, वो फ्लर्ट कर रही है। बहुत बढ़िया, अब घुटनों को उठाओ। ये तो चल रहा है, क्या तुम ठीक हो? खैर, करती रहो। हाँ, और हो गया। क्या ये पसीना है?
कोच मेरे बारे में क्या सोचेगा? और मैं टॉवल भी नहीं लेकर आई। हाँ, पीछे तो बहुत ज्यादा है। और सोफिया को बिल्कुल पसीना नहीं आया। और ये लंबे बाल, कोच मुझे इस तरह नहीं देखेगा। मैं बहुत आराम से यहाँ से खिसक जाऊंगी। बालों के स्ट्रगल की, ठीक है, लंच डेट से पहले अपने बाल बनाने का समय। चलो इसे प्लग करते हैं। ये बाल बहुत सीधे हैं, मुझे घुंघराने चाहिए। चलो पहला कर्ल शुरू करें। ओह, जस्टिन कॉल कर रहा है। हेलो, रुको, क्या तुम मजाक कर रहे हो? हाँ, मैं फ्री में थर्सडे को जोनस ब्रदर्स देखने जाना चाहती हूँ। तुमने सच में टिकट जीती है, ये बहुत मजेदार है। विकी, क्या तुम जो कर रही हो उस पे ध्यान नहीं देना चाहिए तुम्हें? हाँ, मेरे भगवान, ये नहीं हो सकता। मुझे इतनी देर तक इसको अपने बालों में नहीं रखना था। काश मैं अपने बाल बदल सकती, लेकिन मैं सैलून में अपनी अपॉइंटमेंट बुक करने तक का इंतजार नहीं कर सकती। शायद कुछ बैंग्स मेरी लुक को चेंज करे। हे, ये बड़ा प्यारा लगता है, मैं इसे खुद ही काट लेती हूँ। इतना भी क्या मुश्किल होगा? ये कैची काम करेगी। ऑनलाइन तो ये कहते हैं कि अगर आप इसे ऐसे घुमाएंगे तो ये बिल्कुल सीधे सीधे एक ही बार में कट जाएंगे। और जिसने भी ये रूल बनाया है वो पूरा बेवकूफ है। सबक ये सीखा कि ये बैंग्स का काम प्रोफेशनल से ही कराएं। ठीक है, 40 मिनट हो गए हैं, मेरी पाय अभी तक तैयार हो गई होगी। ओ वाह, इसकी खुशबू तो जन्नत है। और ये देखने में खुशबू से भी ज्यादा अच्छा है। विकी को तो बहुत पसंद आएगा, ये उसका मन पसंद है। इसे प्लेट पर डाल लेते हैं। प्रेजेंटेशन भी कोई बात होती है तो चलो। लगता है विकी को एक असली ट्रीट मिलेगी। बेकिंग पसंद करने वाली रूममेट के फायदे, है ना? मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही, इसकी खुशबू बहुत अच्छी है। थैंक यू बेला। और सबसे अच्छा हिस्सा, पहली बाइट लेना। तो ये आया। ओह हाँ, ये तो स्वाद है। ये है एक चीज। हे भेला, तुमने ये बेक करना कहाँ से सीखा? ये सिर्फ एक ही चीज है जो इतने अच्छे डेजर्ट को खराब कर सकती है, और वो है एक बड़ा लंबा घुंघराला बाल। अगर इससे तुम्हें उल्टी नहीं आ रही तो पता नहीं किससे आएगी। सोचो ये चीज मेरे मुंह में थी। ठीक है, मुझे अपने मुंह से इस टेस्ट को निकालना होगा, इससे पहले मैं उल्टी कर दूं। एक टिप है, अगली बार जब तुम इतनी टेस्टी ट्रीट बेक करो तो अपने बालों को पोनी में बांध लेना। ठीक है बेला।